जरस उसको प्रदान करते हैं गुरु चार। भक्ति भक्त भगवंत गुरु नाम ना। भक्त तो कोई गोष्ठी विशेष बा कोई संप्रदाय विशेष नहीं है ये भ्रांत धारणा कभी कभी हम लोग भ्रांत धारणा कर लेते हैं जो भगवान से प्रेम करते हैं वो भक्त और कौन कितने बड़े भक्त लो जो जितना अधिक प्रेम करते हैं वो उतने बड़े भक्त है हमारे रानी से जो अधिक प्रेम करते हैं, वो बड़े हैं है ना तो वो वस्तु प्रदान करने के लिए इस कलयुग में भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु आए हैं वो जो वस्तु कभी कोई युग में प्रदान नहीं किए हैं भगवान करुणार्थ चित्त हो करके वह जुगल प्रेम रस माधुरी माँ निवृत निकुंज राधा कृष्ण जुगल विलास माधुरी माँ के जो चरम निर्जार जो राधारानी आस्वादन करते हैं वो वस्तु प्रदान करने के लिए जो राधा रानी के सहचरी मंजरी स्वरूप उपासना पद्धति

মথুরা মে সামঞ্জস্য রথি দ্বারক আর বৃন্দ সামর্থা রতি সামর্থ্য রতি মানে সর্বত ভাব কৃষ্ণ কো বসিভুত কর্মর্থ হ্যাঁ রথি কে সামর্থ্য রথি এস রথি সমর্থ ভগবান বসি বুদ্ধ হতে বসি ভুল করকে এসে প্রেমি ভক্ত কে পিছে পিছে অনুগমন করতে

रंगदेवी तुंग विद्य सुदेवी ये राधारणी के प्रधान आज शौचर्या है इनको कहते हैं प्रिय नर्म सखी सखी तो पंचविधा सखी प्रिय सखी प्रिय नर्म सखी प्राण सखी नित्य सखी सखी साधारण सखी कृष्ण स्नेहादि का प्रिय सखी नेहा राधारणी में जितना प्रेम कृष्ण में उतना ही प्रेम समनेहा प्रिय नर्म सखी यह है रानी के पक्ष लेते हैं रानी के साथ रहते हैं समस्त समस्ने लेकिन रानी के पक्ष लेते हैं साथ रहते हैं प्रिय नर्म सखी और प्राण सखी प्राण सखी है अष्टविदा प्रधाना मंजरी जो है नित्य मंजरी ये कोई साधन सिद्धा नहीं साधन सिद्धा जो है यह है नित्य शक्ति तो प्रधाना जो राधारणी की जो मंजरी है एक उम्र में छोटी है সক্রিয় রূপমঞ্জুরি রতিমঞ্জুরি বিলাস মঞ্জুরি কুস্তি মঞ্জুরি মঞ্জুর আলী মঞ্জুরি রস মঞ্জুরি গুনমঞ্জুরি লবঙ্গ মঞ্জুরি এ অষ্ট প্রধান রাধারণীকে সহচরী এই জীবকোটি কে হয়নি পার্শ্বাদ সাধন সিদ্ধ সাধন গুরু প্রদত্ত স্বরূপ প্রাপ্ত করকে আর সাধন পদ্ধতি চরণ কমল মে अनन्या शरणागति के माध्यम से जो राधारणी के होकर के राधारणी के प्रसन्नता संपादन के लिए अखिल चेष्टा ऐसे जो साधना करते हैं तो राधारणी के कृपा से वो स्वरूप प्राप्त करने में समर्थ होते हैं इसको कहते हैं नित्य सुखी नित्य सुखी माने हर्षव राधारणी के साथ रहती है चौबीस तो घंटा लेकिन और जितने तो सुखी है ये राधा स्नेहादि का इनके कृष्ण से मतलब नहीं है लेकिन कृष्ण से प्रेम करते हैं ऐसा नहीं क्यों करते हैं न मोर प्राणेश्वरी राधा वृंदावनेश्वरी तार प्राणनाथ बोली भुज मैं कृष्ण को क्यों प्रेम करता हूँ नहीं मेरी प्राणेश्वरी राधा रानी उनके प्राणनाथ राधा रानी एक पत्थर को अगर प्राण मानते हैं तो बंजुरी वो पत्थर को प्राणाधिक मानते हैं प्राण से भी प्रियो है ना जैसे मान लो जैसे होता है क्या जैसे पोषक पोषक तत्व है जैसे मान लो कृष्ण माता जसोमती के प्राण है है ना? लेकिन दूध ओटा रहे हैं इधर मक्खन निकल रहे हैं माता जसोमती कृष्ण आकर के कहते हैं मैया हमको खाने दो मैया खाने दो आ, हमको स्तनपान कराओ मैया हमको गोदी में ले लो तो ऐसा मैया तो गोदी में लिए इतने में दूध में उफाना गया उफान जब आ गया तो कृष्ण को झट करके गोदी से उतर करके रुक 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 जा 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 दूध दूध को को रहा था उतार के फिर आ गए हैं कृष्ण को बहुत अभिमान हो गया कि देखो मैया हमसे भी दूध ज्यादा प्रिय है हमको छोड़कर क्या करते हैं हमको जो अधिक प्रिय है उस वस्तु में हमारा ध्यान अधिक होता है यह तो एक साइकोलॉजी है जिसमें हमारा प्रेम अधिक है उस वस्तु के प्रति हमारे आकर्षण अधिक होता है स्वाभाविक नहीं तो जब कृष्ण को करके हम दूध उतारने के लिए जा रहे हैं इसका मतलब कृष्ण से दूध प्रिय ज्यादा है है ना क्यों तो किस लिए कृष्ण को ना दूध प्रिय है मैं कह रहा हूं सुनिए ना इसलिए प्रिय है वो इतना नवोलाक धेनु है नंद का नवोलाक धेनु उसके अंदर एक गाय है पद्म गंधा गाभी पद्म उसके दूध इतने सुंदर सुगंध युक्त तो और इतने मिठास कि उसमें चीनी देने का कोई आवश्यकता नहीं और इतने सुगंध युक्त तो कुछ भी बनाओ खीर बनाओ मक्खन बनाओ और कुछ भी रबड़ी बनाओ कुछ भी बनाओ इतना सुंदर टेस्टी और कोई दूध में है नहीं तो कृष्ण को सुख दान करने में ये ज्यादा अधिक ये जो दूध है कृष्ण को अधिक सुख देता है इसलिए ये दूध प्रिय है कृष्ण को सुख देने का कारण अलग नहीं जी ये दूध अगर नष्ट हो जाएगा तो कृष्ण को जो आनंद वर्धनकारी जो दूध है और दूसरा दूध है नवोलाक गाय है दूध तो बहुत है ना जो दूध फेंकने के लिए कुंडा बनाया है ना वो जो हाँ दही कुंड है ना वर्षा ना में दही कुंड क्या है वहाँ जितना दूध दही ज्यादा हो जाता था ना कहाँ क्या करेंगे वो फेंकते थे वहाँ इसीलिए दही कुंड कहा गया उसको वहीं फेंकते थे दूर है ना तो वो नहीं वो दूध इतने प्रिय है कृष्ण को सुख संपादन के लिए वो दूध प्रिय होने का कारण दूध के प्रति जो सत्ता माता की उतनी असक्त्य असक्ति का हमारे कृष्ण को ईद सुख देता है तो जो वस्तु सुख देता है वो अधिक प्रिय होता है प्रियजन का अपने प्रियजन का एक कपड़ा भी अगर मिल जाए ना हमारे खूब प्रिय बहुत प्रिय मानता हो तो वो कपड़ा इतना प्रिय होता है उसको धारण करके बक्ष में धारण करके जैसे हमको साक्षात्कार जैसे राधा रानी के प्रसादी वस्त्र के उदय दिया राधा रानी के प्रसादी वस्त्र है वस्त्र ही है है तो कपड़ा लेकिन ओ राधा रानी के वस्त्र एकदम जैसे राधा रानी के स्पर्श हमको मिल रहा है है ना मामला ये है इसलिए कृष्ण जो है राधा रानी के प्राण प्रिय हैं देवी कृष्णमई राधिका पर देवता सर्व लक्ष्मीमयी सर्व कांति सन्मोहिनी परा देवी कृष्णमयी संपूर्ण अनुपरमाणु जो कृष्ण भावना में कृष्ण सुख के लिए ही समस्त अनु कृष्ण सुख ही को तात्पर्य में आपने सुख की कोई इच्छा नहीं है बस कृष्ण प्रेम से बनी हुई है है ना कृष्ण छोड़ के कुछ जानते नहीं रानी कृष्ण भी रानी को छोड़ के कुछ जानते नहीं राधा रानी भी कृष्ण को छोड़ के कुछ जानते नहीं है ना तो इसलिए कृष्ण रानी के प्राण होने का कारण ये मुंजरी का भी प्राण है वो कृष्ण वही कृष्ण वही राधा रानी जब माने नहीं हो जाती है मान लो कोई कारणवश बस मान लीला ये तो लीला के एक उपकरण है, है वो प्रेम लीला आश्वादन के एक चमत्कृति उपकरण मान अभिमान जो भी है लीला में ये सब आनंद लीला वर्धनकारी एक उपकरण विशेष ऐसा नहीं कि नाराज हो गए वहाँ ऐसे कलह करते हैं कृष्ण को गाली भी देते हैं ऐसा नहीं ये सब उपकरण रसन का ये रस रसशास्त्र का ये विशेष आस्वादनीय वस्तु है ए, मान लीला है ना जब मानी नहीं हो जाती है तो अब ये मंजूरी भी उससे सतगुना नहीं हो जाती है कृष्ण के ऊपर देखो हमारे स्वामी जी को ऐसे दुखी करके रखा है है आप पुण्य में घुसने नहीं देंगे एकदम मानिन होकर के फूल जाती है ये मंजरिया है ना लेकिन कृष्ण से भी प्रेम रखते हैं प्रेम गहरा प्रेम तो कहते हैं मोर प्राणेश्वरी राधा वृंदावनेश्वरी तार प्राणनाथ बोली भोज गिरिधारी मैं गिरिधारी को क्यों भसता हूँ नहीं मेरी प्राणेश्वरी राधा उनके प्राण है ना इसीलिए उनके प्राण होने का कारण मैं गिरिधरी भी हमारे प्राण इसलिए दोनों मिलकर के हमारे जुगल उपासना राधा कृष्ण प्राण जुगल किशोर क्यों भाई हम तो राधारणी के उपासक राधा स्नेह आदि का राधारणी छोड़ के कुछ जानते नहीं है चार पक्ष है ना विपक्ष विपक्षित पक्षा तटस्थ पक्षा राधारणी के सपक्ष जो ये सखिया है मंजरी आदि सपक्षा राधारणी के छोड़ कुछ तो जानते नहीं विपक्ष विपक्षा चंद्रावली आदि सु पक्षा आदि तटस्थ पक्ष श्यामल सब ये आदि सब शक्तियाँ हैं जो समस्नेहा है सब उपकरण में रस शास्त्र भी इसका बहुत सुंदर वर्णन है है ना तो इसीलिए जुगल प्रेम उपासना पद्धति हमारा कृष्ण नामिते भाई राधिका चरण पाई आ राधा नामिते पाई कृष्ण चंद्र कृष्ण नाम करने से कृष्ण उतना प्रसन्न नहीं होते हैं जितना राधा रानी प्रसन्न होते राधा रानी के कान के पास जाकर के अगर हम राधे 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 राधा भी है प्रसन्न है लेकिन उतना प्रसन्नता नहीं रानी के कान के पास जाकर के हम कृष्ण 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 मोनु परमाणु जैसे एकदम शिहरित हो जाती है राधा रानी एक अद्भुत दिव्य महाभाव सिंधु में जैसे उफान आ जाती है राधारानी में राधा रानी कृष्ण नाम श्रवण मात्र ही महाभाव सिंधु में उफान आ जाती है, है। तो कृष्ण नामित भाई राधिका चरण पाई कृष्ण नाम करने से राधा रानी प्रसन्न हो जाती है खूब अरे हमारे प्राणनाथ का नाम कौन कर रहा है इसको मैं क्या दू क्या दू क्या दू ऐसे राधा रणी चिंतित हो जाती है ऐसे प्रेमी को प्रेमी भक्त को मैं क्या दू हमको कृष्ण नाम सुना रहे हैं इसलिए हम लोग हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम, राम बहुत लोग है राधा ऊपर सुना लेकिन कृष्ण कृष्ण वो करते हैं हम तो ये बाहर में हम लोग कृष्ण कृष्ण कर भीतर राधे 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 है ना तो हम इस तरह से हमारे उपासना जो है राधारणी का प्रसन्नता संपादन ही हमारे अखिल चेष्टा राधा स्नेहा अधिकारी सखियाँ है ये सखी उपासना पद्धति इसका कहते हैं भावोल्लासा ऋती भावोल्लासा ऋती माने राधारणी के भाव से उल्लसित राधा रानी जैसे भाविता हो जाती है ऐसा ही भाव में विभोर हो जाते हैं ये मंजरी सखिया बस रानी के भाव से भाविता রাধা ভাবিতা চিত্তবৃত্তি ভাব উল্লাস তো এ বস্তু মহাপ্রমুখ প্রদান অনর্পিত চরি চিরাত করুণা অবতীর্ণ কলু সমর্পয়ত উন্নত উজ্জ্বল রসান ভক্তি শ্রীয়াম সুন্দর দ্যুতি কদম্ব সন্দীপিত সদা হৃদয় স্কন্দর পুরত বা শচীনন্দন ওই শচীনন্দন মহাপ্রভু উনকে পাবন জীবন গাথা हम लोग आलोचना कर चुके हैं अभी उनके परम प्रेमी भक्त जो है श्रीनिवास आचार्य प्रभु और श्यामानंद प्रभु और नरोत्तम ठाकुर हम लोग अभी श्रीनिवास आचार्य प्रभु के जीवन चरित आलोचना किए हैं महाप्रभु के अंतर्ध्यान के बाद महाप्रभु रूप में उनके आवेश रूप में आए हैं श्रीनिवास आचार्य प्रभु नित्यानंद प्रभु के अवतार नरोत्तम ठाकुर और अद्वित तो आचार्य प्रभु के आवेश अवतार श्यामानंद प्रभु इनके जीवन चरित्र हम लोग आस्वादन कर रहे हैं तो बचपन में बहुत ही थोड़ा सा पूर्वाभाष दे रहे हैं अभी पहले से बोलना संभव नहीं है क्योंकि हम बहुत दूर आ चुके हैं अभी मान लो पुनरावृत्ति करने से बहुत समय लग जाएगा बहुत सुने नहीं है यूट्यूब में सुन लेंगे हाँ। तो बचपन में ही पूर्वाभास दे रहे हैं बहुत वैकुलित तो, हैं उनके कृष्ण मंडल उनके पिता है माता है आ, माता द्यूरिका देवी बड़े दुखी होकर बहुत संतान नष्ट होने के बाद जब पुत्र प्राप्ति से वंचित रह गए उसके बाद भगवत कृपा से पुत्र प्राप्त किए नाम रखे दुखिया फिर दुखिया बड़े होकर के पिता माता के सान्निध्य में थोड़ा सा किशोर अवस्था प्राप्त होने के बाद भगवत विराह में व्याकुलित तो होकर के जन्म जातो और रोती मन विचलित तो हो गया अब किसी तरह से हमको भगवत प्राप्ति करनी है है महाप्रभु के प्रेम सान्निध्य प्राप्ति करनी है ऐसे इच्छा लेकर गए हैं कालना में महाप्रभु के पार्षद गौरीदास पंडित के प्रधान शिष्य हृदय चैतन्य ठाकुर उनके चरण सान्निध्य में जाकर के उनसे दीक्षा प्राप्त किए हैं कठोर गुरु सेवा किए हैं तन मन से कायम वचन से गुरु सेवा करके गुरु को पूर्ण रूप से प्रसन्न किए हैं गुरु देव के जैसे प्राण स्वरूप इतने गुरु सेवा किए हैं जो गुरुदेव शिष्य को पलक के लिए छोड़ने के लिए तैयार नहीं लेकिन गुरु शिष्य के मंगल के लिए कहते हैं बेटा तुमने हमारे बहुत सेवा की हो अब जाओ वृंदावन में जा करके माप्यो के पार्षद श्रीजी गोस्म के चरण सान्निध्य में रह करके रस शास्त्र प्रेम शास्त्र आदि अध्ययन करो तत्सहित समस्त शास्त्रों अध्ययन करके तत्व विषय में थोड़ा सा ज्ञान आहरण करो जाओ जाना नहीं चाहते हैं फिर भी आदेश किए हैं जाओ हम कह रहे हैं तुम्हारे मंगल के लिए हम कह रहे हैं यहाँ रहने से हमको तो आनंद है लेकिन वहाँ जाने से वृंदावन जाने से तुम्हारे लिए मंगल ज्यादा होगा तुम जाओ तो गुरुदेव का आदेश देकर वृंदावन आए हैं वृंदावन आ करके श्रीजी गोस्वामी चरण में आकर के आत्मसमर्पण करके श्रीजी गोस्वामी पादुर भारतवर्ष के सबसे बड़े पंडित हैं बहुत बड़े पंडित हैं समस्त तत्ववेत्ता तत्ववेद्ता रसशास्त्रवेद्ता सभी जाते हैं श्रीजीप गोस्वामी के पास तो श्रीदीप गोस्वामी उनको बड़े आदर करके विद्या अध्ययन कराए और श्रीनिवास आचार्य जो प्रभु भी गए और नरत्नाम ठाकुर भी गए तीनों तीनों को विद्या अध्ययन कराए रसोशा आदि में जैसे हमारे भक्ति रसामृत सिंधु उज्जवल नीलमणि ये सब सब अच्छी तरह से उनको सब अध्ययन कराए तो बोलते बेटा भजन करो तो ये तो हम लोग आलोचना कर चुके हैं थोड़ा सा पूर्वाभास दे रहे हैं एक दिन निधुवन में निकुंज वन सेवा कुंज में झारू लगाते लगाते राधा रानी कृपा करने के लिए बड़ी आग्रही है जो ऐसे हमारे प्रेमी भक्तों कृपा करेंगे रात्रि एक माम पायर के जो नूपुर है वो छोड़ के चले गए सुबह होते ही ललिता जी को कहते हैं ललिता मेरे नूपुर तो खो गया है तू खबर ले वो कहाँ गया है उसको कहीं से ढूंढ के ला ललिता जी जानते हैं एक वृद्धा ब्रज गोपियों के रूप में आ करके कहते हैं बेटा तुमने हमारे ऐसे पुत्र बधु जो है ये, ये छोड़ के गया है, कोई कंग ये नुपुर तुमको प्राप्त हुआ है नूपुर पा करके झाड़ू लगाते हैं प्रातः काल लेकिन नूपुर की सुंदरता और नुपुर स्पर्श मात्र राधारणी के अंग संलग्न चरण कमल संलग्न जो नूपुर है स्पर्श मात्र प्रेम में पुलकित तो हो रहे हैं अश्रुक पुलक शेद वैवरण आदि जो अष्ट शिक विकार से विकारित तो हो रहे हैं ये दिव्य ये नूपुर ये आया कहाँ से ये तो कुछ साधारण नहीं है साधारण वस्तु स्पर्श होने से तो ऐसे तो सात्विक भाव होना संभव नहीं है ऐसे अचिंत दिव्य जगत के एक अद्भुत छटा आनंद के छटा शिहरण जैसे अनुभव कर रहे हैं जरूर राधारणी की कृपा है ऐसे कह करके नूपुर को रखे हैं जंगल में ढक तो करके देखो राधारणी की क्या लीला है जरूर राजनी कृपा करे हैं करेंगे तो वो मैया जब आए हैं तो देखते हैं ये तो साधारण नहीं है क्योंकि जंगल में ये नूपुर कहां से आएगा मैया भी जब आए हैं ये मैया साधारण नहीं है तो उनके चरण पकड़ के रोना शुरू किया है मैया तुम कौन हो बताओ तुम तो साधारण नहीं है सही सही बताओ मैया तुम कौन हो तुम परिचय दो हो मैया आपने को छुपा मत मैं दुखी हो मेरा नाम ही दुखी कृष्णदास मैं दुखी हूँ कैसे भी हो राधा रणी के चरण दर्शन करना हमारे जीवन का उद्देश्य हो अगर शरीर रहते रहते राधा री का चरण दर्शन नहीं होगा तो बड़ा भयंकर अनर्थ हो जाएगा मैया कृपा करो दया करो तू कौन हो तुम बताओ फिर उनकी व्याकुलता देख करके ललिता जी बहुत प्रसन्न हो गए अपने दिव्य स्वरूप उनको दर्शन कराए तो बोलते हैं ललिता जी आप कृपा करके जब हमको इस तरह से कृपा किए हैं राधा रणी को दर्शन कराओ बोलते बेटा ऐसा तो संभव नहीं है तुमको एक मंत्र देते हैं इस मंत्र तुम साधन करो है? और राधा कुंड में स्नान करके आ जाओ फिर हम देखते हैं तो वो मंत्र जब जबते, जबते राधा कुंड में स्नान करके आए हैं जब जबते, जबते उनके भीतर प्रेम का प्रकाश हो गया फिर उनको ललिताजी ऐसे शक्ति प्रदान की उनके स्वरूप का दिव्य नित्य स्वरूप का जागरण हो गया जब दिव्य स्वरूप का जागरण हो गया तब तो जा करके राधारणी आए हैं उनको पूर्ण रूप से उनको कृपा किए हैं दर्शन देकर के उनका कृतकृत्य किए हैं मानव जीवन का चरम परमतम साधना का परम लब्ध वस्तु जो है राधारणी के दर्शन साक्षात दर्शन और वो प्रेम प्राप्ति वो प्राप्त करके राधारणी की कृपा से धन्य हो गए हैं उनके जड़ मुक्त होकर के दिव्य आनंदमय स्वरूप में वो निमग्न हो गए हैं अपने स्वरूप में मंजूरी स्वरूप में स्थित हो गए हैं फिर ने कहे ललिता जी आदेश किया है जो ये शब्द तुम किसी को कहना नहीं इसको गोपन रखना एकमात्र जीव गोस्वामी को कहना बाकी किसी को कहना नहीं कहने से तुम्हारा अमंगल हो जाएगा तो, तो वो स्वरूप राधारणी का दर्शन और दिव्य एक है आवृत तो दर्शन एक है अनावृत तो दर्शन दर्शन दो प्रकार है दर्शन बहुत प्रकार का है एक तो कभी कभी भगवान राधा रानी और ठाकुर जी कृपा करके कोई बालक रूप में कोई बालिका रूप में दर्शन देते हैं पहले पता नहीं चलता है। पीछे पता चलता है राधा रानी अवगत करा देते हैं जो हम थे ये वो जो तुमने देखे वो वही था। है ना ऐसे भक्तों का कृपा करके कभी कभी ऐसे अनुभव कराते हैं यह एक है दर्शन और एक स्फूर्ति दशा में भजन करते करते चित्त शुद्धि होने से स्फूर्ति दशा प्राप्त हो जाती है तो उस स्थिति में जो, दर्शन करते हैं लेकिन वो दर्शन साक्षात दर्शन नहीं है वो भी है दिव्य है वो भी दिव्य है कृपा सापेक्ष है साधन सापेक्ष नहीं ये को साधन करके चेष्टा करके हम उस स्फूर्ति दशा प्राप्त हो जाएंगे ये नहीं ये भी कृपा साध्य है साधन करते 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 साधन अवस्था में मन जब अंत तो चिंतित स्वरूप स्थिति में जब पहुंच जाते हैं उस स्थिति में जैसे साक्षात दर्शन कर रहे हैं ऐसे अनुभव होता है इसको कहते हैं इसके बाद आए और एक दर्शन है झलक दर्शन लेकिन वो भी अनावृत दर्शन नहीं आवरण है उसमें भी अनावृत सच्चिदानंद स्वरूप के जो वो जो पूर्ण रूप से दर्शन ना वो छठा दर्शन करने का सामर्थ्य तो जीव में है ही नहीं एक झलक दर्शन मात्र प्राण वायु निष्क्रांत हो जाएगा शरीर छोड़कर चला जाएगा शरीर धारण करने का सामर्थ्य है नहीं जीव में बड़े तो कैसे दर्शन होता है दर्शन होता है इस तरह से क्या होता है हम लोग ना बचपन में वो जो मेला देखने जाते थे वहां देखे इलेक्ट्रिक गार्ड हम लोग बच्चे थे दो पैसा लगता था, था दिखने में इलेक्ट्रिक गार एक लड़की बैठी है और उसको रॉड लाइट देते हैं हाथ ऐसे पकड़ते हैं और रॉड लाइट जल जाता है बाल्ब जल जाता है तो उसमें बच्चे थे जो भाई ये कैसे संभव और उसको छूने से भी झटका लगता है कोई अगर संद हो गया मन में जो क्या है अगर उस लड़की को थोड़ा सा टच करता है तो झटका लग जाता है तो उसमें हमारे मन में जिज्ञासा थी कि ये कैसे संभव पीछे हमको पता चला तो कुछ नहीं क्या होता है वो बचपन से ना इलेक्ट्रिक चार्ज दिया जाता है झटका झटका छोटे 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 उसको ऑब्जर्व करने का पावर आ जाता है उसमें वो सहनशीलता वो इलेक्ट्रिसिटी वो पावर जो है ना वो धारण करने का शक्ति आ जाती है धीरे 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 बहुत समय लगता है एवं कष्टदायक भी है लेकिन एक समय जाकर के छोटा मोटा झटका उसका कुछ नहीं होता है इलेक्ट्रिक गाल इस तरह से बनाया जाता है ऐसा ही साधन करते 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 उसको दर्शन करने का शक्ति राधा ने प्रदान करती है जब देखते हैं जो आप ये दर्शन करने का समर्थ तो हो गया है तब जाके दर्शन देते हैं एक घटना है एक भक्त इतने व्याकुलित चित्त हो गए व्याकुलित होकर हे राधारणी हमको दर्शन दो हे राधारणी हमको दर्शन दो ए पागल प्राय हो करके उन्मत्त प्राय हो करके करुण रोदन करते हैं राधारणी कृपा करो दर्शन दो दर्शन एक बार दर्शन दो एक बार भक्त का क्या है बस ये व्यकुलित होकर रोना राधारणी के लिए रोना उनके दर्शन प्राप्त करना ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य एक बार दर्शन राज रानी सपना देश करके कई बार कहे हैं जे अभी इंतजार कर अभी तरह समय हुआ नहीं समय हुआ नहीं लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं हो तो दर्शन दो दर्शन दो दर्शन दो तो एक दिन राज रानी ये हाथ का एक छटा उनको दर्शन कर ये हाथ का इतना छटा उसी में ब्रेन आउट हो गया सात दिन नग्न होकर के पागल होकर के ब्रजोमंडल में घूमे हाथ का इतना छोटा दिखा उद्दिप स्वरूप का इतना छोटा उसमें ब्रेन आउट हो गया ऐसा कोई अगर कहे अगर राधा ने साक्षात दर्शन देना तुरंत पलक में तुम्हारा प्राणवायु निष्क्रांत हो जाएगा धारण करने का शक्ति जिम में है नहीं इतना हाई इलेक्ट्रिसिटी इतना बहुत ये इलेक्ट्रिसिटी ये तो जल जाता है वो जलता नहीं है इत, लेकिन इतना पावरफुल जो वो पावर सहन करना इतना सहज नहीं है एक प्रैक्टिकल घटना है अभी से चालीस साल पहले हम जब ब्रज में आए हमारे एक भाई था शंकर गुरु भाई उसने ऐसे विरोध दशा में वन में रात को एक एकादशी के दिन एक पत्र लिख करके एक जन को दे करके निदुबन में प्रवेश किए सुने जो में रात्रि जुगन किशोर लीला करते हैं दर्शन देते हैं उस से हम दर्शन करेंगे ओ एकादशी के दिन वो निंदुवन में घुस गया निर्जल व्रत करके घुस गया प्रातः काल वो जहाँ मूल प्रधान फटक है ना वो फटक के सामने पड़ा है अचेत होकर के है ऐसा बड़े बड़े डॉक्टर बोले क्या बीमारी है सब डॉक्टर कहते हैं कोई बीमारी नहीं बहुत डॉक्टर आए बीमारी ने तो क्या हुआ कोई समझ में नहीं आया दादशी के दिन किसी का ठोर में था दादशी के रात को ले आए हम उस समय गिरिराज तराठी में जंगल में गुरु जी के साथ रहते हैं गुरु उस जंगल था गहरा जंगल था उस तो जंगल में एक छोटा सा कोठी था जो मनुष्य जाते नहीं थी वहाँ एकांत में गुरु जी हम उनके सेवा में रहते थे उस समय सुबह प्रातःकाल त्रयोदशी के दिन ले आए गोवर्धन मंदिर में गुरु जी के बस खबर आया जो शंकरारण्य इस तरह से निधवन में प्रवेश किया इस ऐसे हालत है तो गुरुदेव कहते हैं जल्दी जल्दी एक कटोरा में पानी लाओ पानी लाओ तो एक जन कटोरा थोड़ा पानी थोड़ा चौड़न में ऐसे धुला करके थोड़े बोले जाओ उसको पिला दो तो जाके पिला दिया साथ साथ शरीर छोड़ के चले गए फिर हम अपने हाथ से दाह संस्कार किए यह हमारे देख की बात है मैंने कोई हाई इलेक्ट्रिसिटी कोई दर्शन से ही उसका इस तरह से तो ब्रेन आउट हो गया इतना ऐसे हाँ, अनुमान किया गया जो और कुछ नहीं कोई डॉक्टर ने अच्छी तरह से परीक्षण किया है क्या बीमारी कोई बीमारी नहीं हाई इलेक्ट्रिसिटी साधारण मनुष्य का कर, सहन करने का लायक नहीं है वही अगर चाहे कि हम दर्शन करेंगे दर्शन कर नहीं सकता है पहले तो उसके इलेक्ट्रिसिटी जितनी चमक जो पावर उसी में ही उसका ब्रेन आउट हो जाएगा उसके लिए साधन करके तपस्या करके शक्ति राधारणी की कृपा पुष्ट होना चाहिए फिर राधा कृपा करके फिर भी हमारे आचार्यों ने इसके लक्षण वर्णन किए हैं क्या होता है दर्शन करने के बाद कैसी स्थिति होती है बोलते है, पहले तो स्वरूप दिखाते हैं स्वरूप तो उस समय साधक मूर्छित हो जाता है मूर्छा अपने को धारण करने में समर्थ हो जाता है फिर ठाकुर जी उनको शक्ति संचार करते हैं शक्ति संचार करने से फिर उठ के ठड़े हो जाते हैं फिर आपने अपने कंठस्वर सुनाते हैं उनको आवाज भगवान आवाज से उनको पुकारते हैं सौरभ उनके अंग कांति अंग कांति के इतने सुंदर सुगंध वो नासिका रंध्र में प्रवेश करते ही अचेत हो जाता है धारण करने में असमर्थ हो जाता है वो अचेत होकर गिर जाता है प्रेम मूर्छा इसको कहते प्रेम मूर्छा धारण कर नहीं सकते फिर सौशर्य सौरभ फिर कारुण्य फिर भगवान कारुण्य शक्ति संचार करते हैं फिर जाके भगवत शक्ति से अपनी शक्ति से नहीं फिर भगवान ठाकुर जी तब फिर अपने समस्त परिकरों के साथ दिव्य वृंदावन के दिव्य नित्य जो जुगल समस्त पार्श्व के पार्षदों के साथ जो अनावृत प्रकाश उसको कृपा करके दर्शन कराते हैं उनके कृपा से जा करके दर्शन करने में समर्थ होता है ये हमारे आचार्य ने ये गोपन रहस्य बता के गए हैं जो ऐसे ऐसे होता है साधन करने कौन कौन स्थिति में कैसे कैसे मानसिकता कैसे कैसे होती है प्रैक्टिकल ये है ना तो ऐसे वो शमानंद प्रभु को इस तरह से कृपा किए तो राधारानी क्या किए है राधाराणी उनके चरण के नूपुर जो है यहाँ पर स्पर्श कर रहे हैं स्पर्श करना चाहिए यहाँ नूपुर का चिन्ह हो गया और नूपुर की जो घंटी है ना यहाँ को स्पर्श करा दिया बिंदु हो गया और इतने सुंदर चमक स्वाभाविक माने कोई ऐसे रस के द्वारा तो तिलक रचना करते हैं नहीं स्वाभाविक चिन्ह राधारणी की कृपा से यहाँ स्वाभाविक हो गया है और वो स्वरूप पा करके और जुगल राधारणी और ललिता सुखी की कृपा पा करके ऐसे निश्चि रूप जैसे एकदम नशा करके आए हैं ऐसे प्रेम मत्त तो हो करके आए हैं पागल प्राय होकर जिज बात देख करके, करके कहती है तो अलग स्थितियाँ क्या है क्या बात है बताओ बेटा क्या हो गया तुम्हारे की स्थिति देख करके तो हम चकित हो रहे हैं क्या बात है बात क्या करेंगे उसमें शब्द रुद्ध हो जाता है वो अतिय जगत की उस स्थिति उसमें ऐसे भावाभिष्ट रहते हैं शब्द वहाँ बंद हो जाता है फिर भी बड़े कष्ट से निवेदन किए ऐसे ऐसे स्थिति है तो जिब्गेश पत्र छाती में भर लिए हैं बड़े आनंद से जिब्गेश पद भी बड़े कृतकृत तो हो गए हैं ऐसे भक्त को छाती में लगा करके फिर ब्रजमंडल में फिर हम तो काले आलोचना किए हैं आगे चलेंगे ब्रजमंडल में खलबली मच गया है कि जो दुखिया कृष्णदास तो गुरु परिवर्तन कर दिया तिलक जो है वो तिलक मिटा करके नया तिलक धारण किया है और नाम ले लिया श्यमानंद राधारणी उसका नाम रखे है दुखी कृष्णदास के स्थान पर श्यमानंद और छाती में लिख दिया श्यमानंद तो ये खबर सुन करके समस्त ब्रजमंडल के समस्त संत लोग बहुत दुखी हो गए हैं गुरुकरण कर गुरुकरण करके गुरु परित्याग करना ये तो बहुत निषिद्ध है ऐसे महापुरुष है? के ऐसे ऐसे राज के अपने निजी जन उनके प्रेम सान्निध्य पा करके इस तरह से गुरु परिवर्तन करना गुरु त्याग करना तो महा अपराध है आए हैं उनको पंचायत करके बुलाए हैं वो कहते हैं ये तो गुरु कृपा जो भी है ये हमारी गुरु कृपा लेकिन उन लोग धारणा किए हैं कि जीव गोस्वामी पाद ही उनको गुरु परिवर्तन करा करके उनको तिलक परिवर्तन करा करके श्यवानंद नाम दिए हैं जीव गोस्वामी पाद अपने शिष्य बना लिए हैं ऐसे धारणा किए हैं ऐसे चिट्ठी लेकर के भेजे हैं अपने गुरु के पास बंगाल में गुरु गौरमंडल भूमि में गुरुदेव बहुत नाराज हो गए हैं दस बारह जन शिष्य को भेज दिया तुम लोग खबर लाओ सही सही बात क्या है शिष्य लोग आए हैं सब जो भाई इस बहाना में ब्रज दर्शन भी हो जाएगा वृंदावन भूमि दर्शन हो जाएगा बड़े आनंद से थोड़ा तो सा आनंद भी ले लेंगे रानी की लीला विहार भूमि दर्शन हो जाएगा वृंदावन आ करके समस्त साधु संतों के साथ आए हैं तो कहते हैं जिग्वर्षपात कहते हैं ऐसा होना संभव नहीं है हम क्यों करेंगे हृदय चैतन्य ठाकुर तो हमारे प्रणम्य है हमारे आदरणीय है हम कैसे उनको उल्लंघन करके मैं नया करके उनको दीक्षा मंत्र तो प्रदान करूं ऐसा तो संभव नहीं है ऐसे स्वप्न में भी ऐसे सोचना नहीं चाहिए श्यामानंदो प्रभु को जिज्ञासकी भाई क्या बात है तुम तिलक परिवर्तन क्यों किया नाम भी परिवर्तन कर लिया श्यामानंदो तो बोलता हूँ गुरु कृपा जो कर रहे हैं गुरु गुरु ये तो राधा रानी मना कर दिया ना इसलिए कह नहीं सकते तो रानी ऐसे लीला किए हैं आप, आप कहना पड़ेगा क्या कहे भी गुरु कृपा गुरु के जो हमको जो भी मिला है ये गुरु कृपा से सत्य है बात तो है, जो भी हमको राधानी की कृपा भगवत कृपा प्रेम जो भी हमको मिलता है इसका कारण क्या है का? कारण गुरु कृपा गुरु प्रसन्नता गुरु प्रसन्नता बिना भगवत जगत में विशेष कुछ अनुभव करना कदा भी संभव नहीं है इसीलिए गुरु कृपा गुरु प्रसन्नता चाहिए कैसे भी हो गुरु को प्रसन्न करो ऐसे शास्त्र कहते तो गुरु कृपा है तो लोग जा करके कहे हृदय हृदय चैतन्य ठाकुर को जो ये सब कहते हैं जो गुरु कृपा और नाराज हो गए नाराज होके हृदय चैतन्य ठाकुर आए हैं आ करके हैं हमारी कृपा है हमारी ऐसे कृपा कब किया हमने तुमको तुम्हारे तिलक को बदल दिया हमने ऐसे कृपा किया तुमको जब हमारे तिलक हटा करके हम नया तिलक लगा दिया तुमको तुम कहते गुरु कृपा ए? तुम हमको पागल बना रहे हो खुद तिलक बदल करके कहे तो गुरु कृपा हम तुमको ऐसे कृपा किए हैं हम तुमको नाम दिया शमानंद हम तो तुमको कृष्णदास नाम दिए हैं और तुम बोलते हो ना गुरु कृपा गुरु कृपा करके हमको ये नाम दिया है शमानंद तो बोलते हाँ तो आप गुरुदेव आपकी कृपा बिना कुछ होता नहीं है जो भी हमको जो भी परमार्थ मार्ग में जो भी कुछ प्राप्ति हुई है ये सब आप ही की कृपा ये सत्य है सत्य से बस सब तो सत्य है गुरु कृपा बिना कुछ होता नहीं झूठ भी नहीं कह रहे हैं और जो आदेश किया है किसी को बोलना नहीं तो फिर पंचायत बुलाए हैं ब्रज ब्रजमंडल में जितना शांत है जो ठीक है ये तुम्हारे तिलक को मिटाएंगे अच्छी करके और तुम्हारा छाती में जो श्यामानंद लिखा हुए भी मिटाएंगे मिटा करके अगर तुम ऐसे ही दिखाओगे तो जानेंगे जो हाँ एक गुरु कृपा तो श्यामानंद तो वहाँ ध्यान लगाए रानी के चरण में निवेदन किए स्वरूप में स्थित होकर के नित्य लीला में राधारणी के चरण में हे प्राणेश्वरी हमको तुम रक्षा करो तुम्हारे मर्यादा तुम तुम्हारे हम तुम्हारे हैं तुम हमारे नाम दियो श्यामानंद श्यामा राधा रानी के नाम रानी के आनंद से आनंदित जो है वह है श्यामानंद श्यमानंद राधा ने तुम रक्षा करो राधा ने कहते कोई चिंता नहीं करना जो करना है करने दे तो ठीक है फिर कहते ठीक है।, है आप लोग देख लीजिए तो में पानी के कपड़ा पानी में भिजो के फिर अच्छा करके रगड़ रगड़ के रगड़ रगड़ के तिलक को जितना पोसते उतना ही शरणाकृति सुंदर तिलक एकदम स्वाभाविक सब एक एक करके कोशिश की है जो तिलक मिटाओ अः रगर रगर के रंग रगर के जितना मिटे थे उतना एकदम शरणी एकदम स्वर्णमय तिलक ऐसे आरो तो अश्रुधारा बह रही है बैठे बैठे रो रहे हैं राधारणी के चरण चिंता करके गुरु चरण चिंतन करके रो रहे हैं देख रहे हैं क्या लीला फिर जाके ब्रजोमंडल में सब जान गए जो ये साधारण नहीं और उनका भावधारा देख करके जो उद्दंड होते हैं उनका भी ये क्रिया मुद्रा और जो प्रेमी भक्त जो है वो भी क्रिया मुद्रा वो देखने में आता है जो भक्त होता है वैसे थोड़ी है उनके कितना शरीर में क्षांति अवर कालोत्तम विरक्ति मान सुन्नता आशाबद्ध गण सदा रुचि आशुक्ति स्त गुण प्रीति वो भाव के अंकुर प्राप्त होने से साधक के भीतर ये सब सदगुण देखने में आता है स्वाभाविक ही खांति खांति माने चित्त विक्षेप का बहुत सारे कारण रहते हुए भी चित्त विक्षेप नहीं होना इसको कहते खांति तो पलक भी उनका उनके लिए नष्ट नहीं होता है हर समय राधारणी के नाम बाद बाधारणी के लीला चिंतन ये चिंतन में तल्लीनता तन्मयता मान शून्यता कोई अपमान करे उसमें भी उनका कोई फर्क नहीं पड़ता है कोई सम्मान करके पूजन करते हैं आरती उतरते है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है अपमान में भी कोई कष्ट नहीं सम्मान में में भी कोई हर्ष नहीं ये मान अपमान जो है ये अज्ञान से पैदा होता है अहंकार जिसका अंदर जितना अहंकार अज्ञान जातो अहंकार अज्ञान जातो अहंकार जिसके अंदर जितना प्रबल है उनमें सम्मान में ज्यादा प्रसन्नता और अपमान में उतना ही खिन्न हो जाती है ये समझना ये हर व्यक्ति हर साधक इसके द्वारा पहचान करना तुम्हारे अंदर अज्ञान जा अहंकार कितना है ये कहने की बात नहीं है तुम खुद विचार करना क्या किसी ने कोई अपशब्द कहे तुमको कोई खराब कहे तुमको कोई गाली दी क्या तुमको कष्ट होता है अगर कष्ट होता है समझना तुम्हारे अंदर अज्ञान जा अहंकार पुष्ट है अहंकार में लगता है और कोई सम्मान करता है उसमें तुमको आनंद होता है ओह हमको माला पहना रहे हैं आपको पूजा कर रहे हो आप कितने बड़े हैं यह भी अज्ञान जाता उनका है ना तो गुण अब बिरक्ति। बिरक्ति माने जागतिक भौतिक पदार्थ भोग्य पदार्थ जो भी है समस्त वस्तु पदार्थ के प्रति अनाशक्ति अनाशक्ति का नाम है विरक्ति विरक्ति माने मस्तक मुंडन करके जंगल जाना ये विरक्ति नहीं है ये तो पोशाक बदलने से क्या होता है विरक्ति होता है अंतकरण विरक्ति अनाशक्ति विरक्ति माने अनुरक्त तो भगवत चरण में अनुरक्त तो होने से तभी जगह विरक्ति आती है और कब आती है जितना अनुराग बढ़ता है उतना विराग होता है भगवत चरण में अनुराग जितना बढ़ता जाएगा दृश्यमान जागतिक पदार्थ में तुम्हारे मन उतना ही हटता जाएगा भोग्य पदार्थ में देहोदयी देहो, वस्तु पदार्थ में तुम्हारी आसक्ति हटती जाएगी जोर करके अगर चाहे कोई जो हम देवदेव वस्तु पदार्थ से मन को हटा लेंगे साधन करके दूर रह करके कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा और विश्व ढोंगी बन जाएगा दिखावा आ, मान नाम गण सदा रुचि आशुक सद गुणा खन भगवत कीर्तन में आशक्ति भगवान नाम में आशक्ति संत दर्शन में आशक्ति हरि कथा में आशक्ति ये सब सदगुण प्रति स्थल वसती भगवान के वसती स्थल भगवान कहा निवास करते हैं ठीक है भक्त हृदय में वस स्थल है तो भक्त हृदय तो हर जगह तो भक्त मिलता नहीं है हम और कोई स्थान बताइए बोल दे रहे हैं तो की तो 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 में ओ माने अच्छा ठीक है तो एक हो गया भक्त हृदय और दूसरा हो गया जहां हरि कथा होती है कथा में प्रभु अवश्य विराजमान रहते हैं जहां निष्प्रिय निर्लिप्त तो, जो भगवान के बात करते हैं ऐसे जो साधक हैं जो कि भगवत कथा में एक तल्लीनता तन्मयता के साथ समस्त भक्त मंडली के सामने जो हरि कथा परिवेशन करते हैं तो यहाँ अवश्य भगवान विराजमान रहते हैं और कोई स्थान है ये तो हो गया और कोई स्थान है भगवान के और एक स्थान है हमने वो कथा नहीं है भगवान कहाँ है आशक्ति शक्ति स्थले जहां भगवान है वहां आशक्ति तो भगवान कहाँ है हमको जानना पड़ेगा ना तब तो हम आशक्ति होनी चाहिए ना तो एक तो हो गया भक्त हृदय में माने भक्त तो देखते ही उनके गदगद हो जाएगा हृदय आए हैं माने हमारे भगवान आए हैं उनके भीतर हमारे भगवान है विराजमान है प्रकाश है तो भक्त में आदर ये ठीक है दूसरा है जहां हरिकथा होती है वहां भगवान है तो हरिकथा में रुचि अच्छा और कोई स्थान है वृंदावन परित्यज पाद में नगछति भगवान कहते हैं वृंदावन छोड़ के मैं एक कदम भी कहीं नहीं जाता हूँ मने वृंदावन वास के लिए उनकी आग्रह रुचि वृंदावन में रुचि ये तीन स्थान है ना तो ऐसे स्वाभाविक होने से तो जाना जाएगा जो ये ये भगवान के बहुत किबा पात्र है इनके भीतर भगवान के प्रकाश देखने में आता है इस तरह से ये प्रकाश देख करके श्यामानंद प्रभु के सब तो बहुत प्रसन्न हो गए फिर बड़े आशीर्वाद करके गुरु आशीर्वाद करके फिर चले गए हैं ना चले गए नहीं फिर उनके साथ परिक्रमा गए हैं ब्रज परिक्रमा शिष्य को लेकर के परिक्रमा निकले हैं ब्रज परिक्रमा ब्रज परिक्रमा चलते चलते एक दिन क्या हुआ एक जगह रासलीला हो रही है रासलीला देख करके श्यामानंद प्रभु वो गोपी भाव में नित्य करना शुरू किया है और जे, जे उनके जो उपासना पद्धति गौरीदास पंडित के जो परंपरा यह सुबल शखा है ना की उपासक हृदय चैतन्य ठाकुर सुख रस उपासना पद्धति है और ऐसे पद्धति दिए है अपने चेला को लेकिन यहां गोपी भाव ये देख करके बड़े क्रोधित हो गए ऐसे जम के थप्पड़ मारे हैं गाल में यहाँ फट गया और खून निकलना शुरू हो गया खून निकलना शुरू हो गया तो जा करके चले तो आए हैं कुछ तो कहे नहीं है इधर महाप्रभु की सेवा में गए तो देखते हैं महाप्रभु के यहां से खून निकाल रहा है कपड़ा भेज गया महाप्रभु से कहते हैं प्रभु ये क्या ये क्या बोलता है श्यामानंदो हमारे अभिन्न तोनों तुम उनके ऊपर प्रहार, प्रहार किया हमने हम कोई तो प्रहार किया आ, वो तो हमारा ही अभिन्न तनु है वो कोई भूल नहीं किया वो रानी के कृपा पुष्ट राधा भाव में आ, भाव में भावित तो होकर के रानी के कृपा से साक्षात प्रत्यक्ष कृपा से इस तरह से वो भाव प्राप्त किया है आ, तुमने उसको प्रहार किया तो हमारे अंग में लाग। तो बहुत दुखी हो गया जो महाप्रभु कहते हमारे ही अंग है हम शिष्य समझते उनको ये तो हमारे भी गुरु है आ, तो बहुत दुखी हो गए दुखी हो के फिर जे हमारे प्राश्चित के लिए क्या किया जाए हमारे हम जो अपराध वैष्णव अपराध हो गया चेला को मारे हैं लेकिन वैष्णव अपराध हो गया क्या किया जाए तो महाप्रभु कहे हैं तुम दादर भंडारा करो दादर साधु संत सेवा करो साधु संत सेवा करो ठीक है करेंगे ऐसे ही तो तो जी विष्णी के पास आ करके निवेदन किए हमसे अपराध हो गया हम ऐसे अपने शिष्य समझ करके तो प्रहार किया लेकिन महाप्रभु ये प्रहार अपने अंग में धारण किए हैं और कहे हैं ये हमारे अभिन्नु तो हमारे वैष्णव अपराध के कारण हमको ये प्रायश्चित हमको द्वादश हमको संत सेवा करना पड़ेगा ठीक है तो बारह दिन ब्रजमंडल के जितना समस्त ब्रजवासी आदि सबको निमंत्रण करके प्रतिदिन एक एक भंडारा एक एक भंडारा एक एक भंडारा अभी भी वो भंडारा चलता है गोपी वल्लभपुर जहाँ पर ए, वो निवास करते हैं करते थे और श्यामानंद वहाँ ना उधर भी होता है तो इस तरह से दादर भंडारा करके फिर जाके श्यामानंद प्रभु को राख करके हृदय चैतन्य ठाकुर चले गए हैं फिर इधर महाप्रभु आदेश किया हैं जो आप जीव गोस्वामी को जो तुम इसको छोड़ दो इसके द्वारा जगत का बहुत सारे मंगल कार्य कर, साधन करना है जगत मंगल के लिए आए हैं इसको तुम और बांध के नहीं रखना स्नेहवश प्रेम प्रीतिवश तुम इस तरह से इसको और मत रखो इसके द्वारा जगत मंगल साधन करना है हमारे बहुत सारे सारे कार्य इनके द्वारा संपादन करना है तुम इसको छोड़ दो आ, तो फिर दिव्य समय बाद बहुत सारे ग्रंथ प्रणायन किए हैं हमारे आचार्यों ने लक्षाधिक ग्रंथ रसास्त्र प्रणायन किए हैं जो दिव्य लोक के नित्य लोक के संदेश भावक जो संदेश मर्तलोक में ये कोई जानते नहीं आए ये प्रेम राज्य के जो ओ, ऐसे दिव्य संदेश ऐसे सब ग्रंथ रचना किए हैं रचना करके उसको यहाँ जंगल में क्या करेंगे चलो ये मंडल भूमि में प्रचार करना इस तरह से श्रीनिवास आचार्य प्रभु श्यामानंद प्रभु और नरोत्तम ठाकुर तीनों को ए, बड़े शाम्पुट गाड़ी बना करके उनके अंदर ग्रंथ भर करके और दस बारह जन ब्रजवासी उनके लिए भेजे हैं पहाड़ा देने के लिए इस तरह से जा करके बीर हम्बीर नामक बांकुड़ा में मन बन, विष्णुपुर नामक स्थान में दुष्ट राजा बीर हम्बीर उससे सोचा है यहाँ इतना बड़ा संपूर्ण लेके जा रहा है इस बाबत हीरा मोती है राजा था बड़ा दुष्ट गुंडा डकात था राजा और ये भक्त भी था रोज भगवत कथा भी सुनते थे बड़े अद्भुत समावेश एक तरफ तो शुभ बुद्धि एक अशुभ बुद्धि सुबह सुबह सम बड़े अद्भुत तो वहा ग्रंथ तो चोरी करके ले आए हैं सुबह प्रातः काल उठ के देखते हैं जो ग्रंथ है नहीं बहुत दुखी हो गए हैं नरोत्तम ठाकुर रोना शुरू कर दिए श्यामानंद प्रभु रोने इतना कष्ट करके हम लोग बहन करके लाए हैं और अरे ग्रंथ चोरी हो गया श्रीनिवास आचार्य प्रभु कहते हैं तुम लोग जाओ ये ग्रंथ को तो उद्धार करके ही फिर हम यहाँ से जाएंगे नहीं तो हम यहाँ से जाएंगे नहीं तो उन लोगों को विदाई कर दिया नरोत्तम ठाकुर खेतोरी ग्राम अपने स्थान में आकर के वहां प्रचार कार्य में लग गए हैं साथ साथ श्यामानंद प्रभु भी बुधड़ी होकर के खेतोरी ग्राम जा करके। उस दिन रह करके फिर वहां से चले आए हैं महाप्रभु के आदेश अनुसार जो धर्म प्रचार करने के लिए तुमको जाना है फिर आए हैं लौट के नवद्य में कामना करके उस दिन दर्शन किए फिर शांतिपुर आकर के जो अच्युतानंद प्रभु हैं अद्वैताचार्य प्रभु के पुत्र उन लोग से मिले उन लोगों से आशीर्वाद प्राप्त किए वहाँ से नवदेव आए हैं नवद्दीप आकर के फिर आपने कालना में अपने गुरु सान्निध्य में आए हैं गुरु गुरुदेव भी शिष्य को पा करके बड़े आनंद में निमग्न हो गए आह ऐसे शिष्य जो राधारणी के ऐसे कृपा पात्र आह गुरु चिंता भी कर नहीं पाते हैं जो देखो राधारणी के इतने प्रेमी राधारणी के इतने निकटतम इतनी प्रेमी जो हो सकते हैं इस तरह से उनको हृदय में लगा करके उस रूकम्प पुल अष्ट शात्विक विकार से विकारित तो हो रहे हैं हृदय में भर के रखते हैं इतने सुंदर इतने दिव्य उनके भीतर जो राधारण के भाव पुष्टि हो गए हैं उसके बाद वहाँ से गुरुचरण से विदाई लेकर के सीधा चले गए हैं अपने गांव उधर चले गए हैं वहाँ जा करके धर्म प्रचार करना शुरू कर दिए हैं आप धर्म प्रचार में लग गए हैं श्यामानंद प्रभु महाप्रभु के आदेश अनुसार धर्म प्रचार भी इनके बहुत सुंदर सुंदर दिव्य कहानी दिव्य सब संदेश है और अद्भुत दिव्य उनके जीवन चरित अद्भुत उनके कृपा शक्ति संचार करने के तरीका ऐसे बड़े बड़े दुर्जन जो उनके चरण सानिध्य में आकर के दुर्जनता भूल करके ऐसे दिव्य संत तो हो गए हैं ऐसे बहुत सारे जीवन कहानी हम लोग आश्वादन करेंगे आज ग्यारह बज गया आज आगे नहीं चलेंगे फिर कल हम लोग फिर आश्वादन करेंगे आज की कथा है विश्राम जय जय श्री राधे श्याम गोर हरी गोर <laughs>